अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक पट्ठा दिखाने लगा हूँ, तो शौक कराते हैं। इसकी माँ इसका बाप हमारे मास्टर शाह साहब की ब्रीड में से है, तो मेरे उस्ताद हैं। तो सील केयर सेंटर के नाम से चैनल बना हुआ है, मुख्तलिफ टिप्स हम आपको देते रहते हैं मुर्गों को सही रखने के बारे में। तो हमने सोचा जी कि आज आपको एक पट्ठा शौक कराया जाए। बड़ा अच्छा पट्ठा बना है, मेरे घर बना है, उन्हीं की ब्रीड में से बना हुआ है, नासिर शाह साहब की ब्रीड में से बना है। तो ये देखें पट्ठा, इसकी माँ भी आपको दिखाती हूँ पहले पट्ठा। ये चिल पर है, देखें क्रीच में है अभी, मैंने कहा आपको दिखा देते हैं, सीज़न आ गया, शौक कराते हैं पट्ठे। ये देखें, ये नली है, ये देखें आँख, देखें बच्चा है अभी, ये 5 महीने का बच्चा है, आँख देखें 5 महीने का बच्चा है अभी ये। और इसकी माँ भी हमारे पास पड़ी हुई है, ये देखें पूरे बड़ी लंबी बेल बनाएगा इसका बाप, बड़े अच्छे माँ बाप में से बना हुआ है ये। देखें ये आपको मैंने बच्चा दिखाया पहले, ये उसकी माँ है, ये देखें। हालांकि इसकी माँ तो बड़ी छोटी सी है, इसके बनी बड़ों में हुई है, इसके जो माँ बाप हैं वो बड़ों में बनी हुई है, लेकिन कद छोटा रह गया था इसका, क्योंकि बैक लग गई होगी नस्ल, तो जिसकी वजह कद छोटा रह गया है, तो इसने बच्चा बड़ा डाला है। अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि देखिए इसका पल्ला, ये देखें अभी इसने दोबारा झोल बनाई भी, अंडे शंडे दे रही है, ये देखें आप नली, देखें फुल चौरस नली है, देखें देखें आप फुल चौरस नली है, ये देखें ये वेल है इसकी, दोबारा झोल बना ली, अब दोबारा अंडे दे रही है पल्ला है। अभी आप इसका बच्चा दिखाया है, इसके एक ही बच्चा, ये पहली दफ़ा पला है इसके घर, मेरे घर जो है ना पहला बच्चा पला है, और ये मादी भी मेरे घर ही पली है, चूज़ा था, तो इसके भाई साथ बने थे, 2 पट्टियाँ इसकी बनी थी, वो मर गई थी, तो ये केली जो है रह गई थी उनमें से, रानी खेत आई थी तो 2 मादियाँ मर गई थी, इसका भाई भी एक मर गया, ये केली बची थी, अब 2 साल की मादी है, 2-2.5 साल की है।